किसी और ऑब्जेक्ट का आप फोटो ले रहे हैं मैक्रो फोटो ले रहे हैं आप चाहते हैं वो ऑब्जेक्ट एकदम क्लियर दिखे पीछे की चीज़ें सब ब्लर्ड हो जाए तो उस केस में एफ़ की वैल्यू का आपको कम रखना है तो उस केस में वन तक उसकी वैल्यू जाएगी और आपको बैकग्राउंड वर्क काफ़ी अच्छा मिल जाएगा तो और जो पीछे की चीज़ें हैं वो भी पूरी तरीके से फोकस में हो तो आप कोशिश करोगे एफ़ नाइन अगर आपके पास एक डी कैमरा है या मिररलेस कैमरा है और आप उस कैमरे में अभी तक ये समझ नहीं पाएंगे कि एपर्चर की वैल्यू आपको किस सिचुएशन में क्या रखनी है तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखेगा इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कभी भी किसी भी सिचुएशन में आप फोटोग्राफी कर रहे हैं तो एपर्चर की वैल्यू आपको क्या रखनी है अगर चैनल पर आप फर्स्ट टाइम आएगा तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना अगर हम अपर्चर की बात करें तो बेसिकली अपर्चर ये होता है कि आपका जो लेंस है उसके अंदर जो उसका मुंह होता है वो कितना ज़्यादा खुलता है जितना ज़्यादा आपके लेंस का मुंह खुलेगा कैमरे के अंदर उतनी ही ज़्यादा आपकी लाइट आएगी और आपको बैकग्राउंड ब्लर भी उतना ही ज़्यादा मिलेगा जितना वो कम खुलेगा कैमरे के अंदर उतनी ही कम लाइट आएगी और बैकग्राउंड ब्लर आपको कम मिलेगा इसको हम डिनोट करते हैं एफ़ वैल्यू से तो अगर आपने देखा होगा कोई भी आप लेंस खरीदते हैं या आपके कैमरे के अंदर भी जो एपर्चर की सेटिंग होती है तो उसमें एफ़ वाली एक वैल्यू आती है जो कम या ज़्यादा होती है तो बेसिकली ये वैल्यू अगर कम है Osionfish. तो इसका मतलब ये है कि आपका अपर्चर ज़्यादा खुल रहा है कैमरे के अंदर आपकी ज़्यादा लाइट आ रही है ये वैल्यू ज़्यादा है जैसे कि एफ़ टेन की हम बात करें एफ़ टेन एक ज़्यादा वैल्यू होगी तो उसमें यानी कि कैमरे का अपर्चर बहुत ही कम खुल रहा है कैमरे के अंदर कम लाइट आ रही है और आपको उस केस में बैकग्राउंड ब्लर भी कम मिलेगा लेकिन अगर आपकी एफ़ की वैल्यू कम है कैमरे के अंदर ज़्यादा लाइट आएगी तो बैकग्राउंड ब्लर भी आपको ज़्यादा मिलेगा तो बहुत ही सिंपल सा फंडा है आपने अभी तक वीडियो को सिर्फ इतना भी देख लिया होगा तो आपको समझ में आ गया होगा अब आपका आ जाता है कि किस सिचुएशन में आपको एफ की वैल्यू क्या रखनी है अगर आप पोर्ट्रेट फोटोग्राफी कर रहे हैं पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में आपका मेन एम ये रहता है कि मेरा जो सब्जेक्ट है उसके पीछे का ये जो बैकग्राउंड है ये काफ़ी अच्छा ब्लर्ड हो जाए तो उस केस में आपके लेंस की जितनी भी मिनिमम जा सकती है पिक्चर की वैल्यू उतनी आपको रखनी है अगर आप अट्ठारह पचपन वाला किट लेंस यूज़ कर रहे हैं पचपन की फोकल लेंथ पर तो उस केस में आपकी जो मिनिमम जाएगी एफ़ की वैल्यू वो फाइव पॉइंट सिक्स जाएगी तो आप उसको फाइव पॉइंट सिक्स रखें ताकि आपको मैक्सिमम बैकग्राउंड ब्लर मिले अगर आप फिफ्टी एम एम एफ़ वन पॉइंट एट वाले लेंस को यूज़ कर रहे हैं तो उस केस में वन पॉइंट एट तक उसकी वैल्यू जाएगी और आपको बैकग्राउंड ब्लर काफ़ी अच्छा मिल जाएगा तो आप वन पॉइंट एट तक जा सकते हैं पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में लेकिन अगर आप लैंडस्केप फोटोग्राफी कर रहे हैं तो उस केस में आपको एफ़ की वैल्यू को बढ़ाना होगा क्योंकि उस केस में आपको बैकग्राउंड ब्लर नहीं चाहिए बल्कि आपको ये चाहिए कि जो सामने की चीज़ें हैं वो भी पूरी तरीके से फोकस में हो शार्प हो और जो पीछे की चीज़ें हैं वो भी पूरी तरीके से फोकस में हो तो आप कोशिश करोगे एफ़ नाइन एफ़ टेन या आपको कुछ हायर वैल्यू रखनी होगी कुछ केस में एफ़ सिक्सटीन या एफ़ ट्वेंटी टू की वैल्यू भी आप रखते हो ताकि आपको एक बहुत ही शार्प क्लियर फोटो मिले कई बार ऐसा होगा कि आप ग्रुप फोटोग्राफी कर रहे हैं जैसे कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ ठीक है एक इंसान मेरे से इधर पे एक फिट पीछे खड़ा है तो उस केस में भी आपको एफ़ की वैल्यू को ज़्यादा रखना पड़ेगा अगर आपने एफ़ की वैल्यू कम रखी तो जो सामने जो इंसान है वो तो फोकस में रहेगा उसका चेहरा एकदम शार्प दिखेगा लेकिन जो थोड़ा सा भी पीछे है वो क्लियर नहीं दिखेगा कई बार ऐसा होता है कि आप पोर्ट्रेट फोटोग्राफी कर रहे हैं एफ़ वन पॉइंट फोर वाले लेंस से तो उस केस में आपको बैकग्राउंड ब्लो बहुत ज़्यादा मिलता है और अगर आपका फोकस पॉइंट हल्का सा भी ऊपर नीचे हो गया आगे पीछे हो गया तो आपका जो इंसान का जो चेहरा है वो शार्प नहीं दिखेगा मान लीजिए आपने आंखों के ऊपर फोकस करने के बजाय उसके नाक पे फोकस कर दिया तो नाक तो एकदम क्लियर दिखाई देगी लेकिन आइज इतनी क्लियर नहीं दिखेगी तो इसलिए उस केस में भी आप थोड़ा सा ज़्यादा एफ़ की वैल्यू को बढ़ाएं ताकि इंसान का चेहरा एकदम शार्प आपको दिखे लास्ट सिचुएशन ये आ जाती है अगर आप बहुत ही ज़्यादा ब्राइट लाइट में शूट कर रहे हैं और आपके जो कैमरे की जो मैक्सिमम शटर स्पीड है वो भी आपने पूरी कर ली है मान लीजिए कि आपके कैमरे की मैक्सिमम शटर स्पीड एक बटा चार हज़ार तक जाती है आपने एक बटा चार हज़ार पर कैमरे को डाल दिया है उसके बावजूद भी आपका बहुत ज़्यादा ब्राइट आ रहा है फोटो तो उस केस में भी आपको एफ़ की वैल्यू को बढ़ाना होगा ताकि आप लाइट को रिड्यूस कर सकें क्योंकि आपको जैसे मैंने पहले बताया आप एफ़ की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो एपर्चर छोटा हो जाएगा कैमरे के अंदर कम लाइट आएगी तो आप एफ़ की वैल्यू को बढ़ाओगे तो कम लाइट आएगी तो आपको एक करेक्टली एक्सपोज इमेज मिल जाएगी अगर आपने कम एपर्चर पर शूट कर लिया बहुत ही ज़्यादा सनलाइट में डायरेक्ट सन में और सनलाइट भी बहुत ज़्यादा है तो उसमें क्या होगा आपका जो फोटो है उसमें कुछ भी डिटेल्स आपको नज़र नहीं आएंगे ओवर एक्सपोज आपका फ़ोटो हो जाएगा तो उस सिचुएशन में आप एफ वैल्यू को थोड़ा बढ़ा दें ताकि आपको एक करेक्ट एक्सपोजर मिल सके अगली सिचुएशन आ जाती है कि जब आप चाहते हैं कि आगे की चीज़ें और पीछे की चीज़ें वो भी फोकस में हो लैंडस्केप फोटोग्राफी का तो मैंने आपको एग्जांपल दे ही दिया था लेकिन उसके अलावा भी कई बार ऐसा हो जाता है जैसा आप किसी फ्लावर का फोटो ले रहे हैं आपने फ्लावर को तो फोकस में रख लिया उसके जो पीछे आजू बाजू की जो पत्तियाँ हैं वो फोकस में नहीं आ रही तो तब आप एपर्चर की वैल्यू को बढ़ा दें सारी चीज़ें फोकस में आ जाएगी तीन चार बच्चे ऐसे लाइन से खड़े हैं उस केस में भी आप एपर्चर oui, की वैल्यू को बढ़ा दें सारी चीज़ें फोकस में आ जाएगी तो बेसिकली आप चाहते हैं कि बैकग्राउंड ब्लर ना हो आगे की चीज़ें भी फोकस में रहें पीछे की चीज़ें भी फोकस में रहे तो तब आप एफ़ की वैल्यू को बढ़ाएं आप चाहते हैं कि पीछे की चीज़ें सारी की सारी ब्लड आउट हो जाएँ और सिर्फ जिस जगह मैंने फोकस रखा है वो चीज़ क्लियर और शार्प दिखे जैसे कि पोर्ट्रेट फोटोग्राफी के केस में या किसी और ऑब्जेक्ट का आप फोटो ले रहे हैं मैक्रो फोटो ले रहे हैं आप चाहते हैं वो ऑब्जेक्ट एकदम क्लियर दिखे पीछे की चीज़ें सब ब्लड हो जाए तो उस केस में एफ़ की वैल्यू को आपको कम रखना है आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपको समझ में आया होगा कि कैसे एफ़ की वैल्यू से आपका बैकग्राउंड ब्लर इफेक्ट होता है वीडियो अच्छी लगी हो तो या इसको लाइक like कर देना शेयर कर देना ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार सब्सक्राइब कर लो और बेलाइकन को भी दबा देना